अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग। मेरा नाम है नवीद अहमद और आज की इस वीडियो में हम रिंगनेक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट्स कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स कर रहे थे कि रिंगनेक का ब्रीडिंग सीज़न जो है कब स्टार्ट होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्तों ने यह भी सवाल किया कि इनकी फीमेल जो है वो मेल को बहुत ही ज़्यादा मार रही है, किसी भी जगह बैठने नहीं दे रही, तो इसकी क्या वजह है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फ़ीमेल जो है वो क्रॉस हो गई है या नहीं हुई। यही सारी बातें आप दोस्तों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसको भी दबा दें। इसको दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिंगनेक का ब्रीडिंग सीज़न जो है कब स्टार्ट होता है। दोस्तों, आज 16 नवंबर 2019 है और जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो रिंगनेक की फीमेल जो है वो क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि फीमेल जब भी क्रॉस होने का मूड में होगी तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं करीब करके, तो वो इस तरीके से बैठेगी और मेल जो है वो इस तरीके से डांस करेंगे। और साथ ही साथ अभी इसे देखकर मेरे जहन में एक और सवाल जो है वो आप दोस्तों के लिए आ गया है, जिसका जवाब देना मैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास पट्ठे होते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो बर्ड ऐसे बैठेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फीमेल बैठी हुई है। ये देखें दोस्तों, अगर आपके पट्ठे जो हैं वो इस तरीके से बैठ रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि आपके पास वो फीमेल है, जो भी पट्ठा आपके पास है। और मेल जो है वो इस तरीके से डांस करेगा जैसे कि आप देख रहे हैं या फीड कराने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है अपने बर्ड को इस तरीके से देख करके। तो अभी आप देख रहे हैं कि फीमेल जो बहुत ही ज़्यादा हीट पे है और आज बारिश भी हुई है। अभी मैं बाहर चल करके आपको बाहर का मौसम भी दिखाता हूँ। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो रिंगनेक जो है वो ब्रीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है नवंबर से लेकर मई तक। कुछ बर्ड ऐसे भी होते हैं जो कि दिसंबर में चलते हैं, और मोस्टली बर्ड जो हैं वो दिसंबर में ही अपनी ब्रीड को स्टार्ट करते हैं जो कि मई तक चलता है। और इसी तरीके से बहुत सारे दोस्त जो पूछ रहे थे कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी फीमेल जो है वो क्रॉस हो गई है कि नहीं, तो मैं इंशाल्लाह शेड के अंदर अभी जाता हूँ। इस पेड़ के जो पठियाँ पठे मैंने रोके हुए हैं वो आप दोस्तों को मैं दिखाऊंगा और आप दोस्तों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे पता चलेगा कि फीमेल जो है क्रॉस हो गई है कि नहीं। उससे पहले मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि वो अपनी टेल थोड़ी सी टेढ़ी करके, मतलब नीचे की जानब झुका लेगी और उसकी वेंट जो है वो थोड़ी सी वेंट वाली जगह आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि जैसे समय में आ रहा है कि इसकी झोल जो है वो बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखें दोस्तों, अब पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये देखें यहाँ से फीमेल जो है वो भारी होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इससे पता चल जाता है कि फीमेल जो है वो आपकी क्रॉस हो गई है कि नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि फीमेल अपने बॉक्स की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान देगी, बॉक्स में अपना ज़्यादा टाइम जो है वो गुजारेगी। और जैसे ही आप देखें कि फीमेल जो है बॉक्स के अंदर आना जाना स्टार्ट होगी या बॉक्स के अंदर टाइम दे रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी फ़ीमेल भी क्रॉस होने वाली है या क्रॉस हो रही है। और इसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि दोस्त पूछ रहे थे कि इनकी फ़ीमेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने मेल को मार रही है, तो इसकी क्या वजह है। दोस्तों, जब भी आपने बर्ड को ब्रीड पे लगाना है तो कोशिश कीजिए कि बॉक्स जो है वो फ़ौरन ना लगाइए। बॉक्स को आपने तकरीबन के 15-20 दिन के बाद जो है वो ऐड करना है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि आप बर्ड को जैसे ही ब्रीडिंग केज में छोड़ते हैं तो साथ ही आप बॉक्स भी लगा देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि फीमेल बहुत ही जल्दी जो है वो बॉक्स के अंदर आना जाना स्टार्ट कर देती है। और
जिसकी वजह से वो हीट पे आने की वजह से मेल को मारना स्टार्ट कर देती है, और हो सकता है कि मेल जो है वो भी ब्रीड के लिए तैयार ही ना हो। जैसे ही मेल जो है ब्रीड के लिए तैयार नहीं होता तो फीमेल जो है वो उसे मारना स्टार्ट कर देती हैं। और ये इस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपका पेयर अगर अच्छे से ना लगा हो तब भी जो है फीमेल जो है मेल को मारेगी। तो आप कोशिश करें कि पहले तो आपका पेयर जो है अच्छे से बना हो। ये बात मैं उन दोस्तों के लिए कह रहा हूँ कि जिनके पेयर 2-3 साल पुराने हैं, वो पहले ब्रीड कर चुके हैं लेकिन उसके बाद बावजूद भी जो है फीमेल जो है मेल को मारे, तो आप समझ जाइए कि आपकी फीमेल जो है बहुत ही ज़्यादा हीट पे है। तो ऐसी कंडीशन में आपने अपनी फीमेल को उस जगह से निकाल देना है, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वो मेल को नज़र ना आए, और उसकी डाइट आपने चेंज करनी है, उसे बहुत ज़्यादा गर्म दाना जो है वो नहीं देना, और कोशिश करें कि फीमेल जो है उसे एग और ब्रेड और ऐसी चीज़ें जो है ना दें, फल का इस्तेमाल करें, और नॉर्मल जो आप दाना दे रहे हैं इसमें आप सूर्यमुखी को भी कम कर दें, और ऐसी चीज़ें जो गर्म हो वो भी आपने इसके दाने से ख़त्म करनी है। और जैसे ही आपको 15-20 दिन हो जाए फीमेल को अलग किए हुए, उसके बाद आप मेल को दोबारा छोड़िए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी फ़ीमेल जो है वो मेल को नहीं मारेगी। अगर फीमेल मेल को बहुत ही ज़्यादा मारे और किसी भी जगह बैठने ना दे, मतलब कि स्टिक पे बैठा है तो यहाँ पे जाकर उसको मारना शुरू कर दे, दूसरी स्टिक पे जाए तो वहाँ पे भी मारना स्टार्ट कर दे, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है वो फीमेल बहुत ही ज़्यादा मेल को मारती हैं। इंशाल्लाह अगर आप ऐसा तरीका अख्तियार करेंगे जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया है, तो आप इस मसले से काफ़ी हद तक बच जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी फ़ीमेल जो है वो मेल को नहीं मारेंगी, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है वो ब्रीड भी कर लेंगी। और जितनी देर आपने मेल को अलग रखना है, मेल को आपने गर्म दाना देना है, इनको कैल्शियम विटामिन का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, ताकि मेल भी जो है वो हीट की हुब उसमें पैदा हो और वो क्रॉस करने के लिए फ़ीमेल को ढूंढे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे ही आप दोबारा पेयर्स को छोड़ेंगे तो बहुत ही जल्द जो है वो लेइंग के लिए तैयार हो जाएगा, और पेयर जो है बहुत ही अच्छी ब्रीड भी करेगा। हवा देखें दोस्तों कितनी तेज़ चल रही है, ये बहुत ही दूर है मेरे घर से दरख्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। तो दोस्तों शेड में जाने से पहले मैं आप दोस्तों को अपने प्लांट्स दिखाना चाहता हूं, जिनमें ज़्यादातर रोज़ के प्लांट्स हैं, और आप देख ही रहे हैं कि इनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है, जिसकी वजह से अभी देख रहे हैं कि इनकी न्यू ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं, और काफ़ी प्लांट्स हैं मेरे पास लेकिन उनमें गर्मी में कुछ जो है सर्वाइव नहीं कर पाए। इंशाल्लाह जैसे ही अभी मौसम ठंडा होगा तो इंशाल्लाह और जो है वो रोज़ के प्लांट्स हैं वो मैं अपने ऐड करूँगा। और अभी चलते हैं दोस्तों शेड के अंदर। शेड में जाने से पहले मैं आप दोस्तों से माजरत चाहता हूं, क्योंकि शेड में बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं, जिसकी वजह से आपको शायद मेरी आवाज़ कम और बर्ड्स की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो इससे पहले मैं आपसे माजरत चाहता हूं। ये देखें दोस्तों इस पेयर की फ़ीमेल जो है वो अंदर है, और अभी वो बाहर अगर आती तो मैं आप दोस्तों को दिखाता कि कैसे पता चलेगा आपको कि फ़ीमेल क्रॉस हो गई है या नहीं हुई। उसकी टेल जो है वो नीचे की जानेब ऐसे झुक जाती है, और फीमेल थोड़ी थोड़ी ऐसे टेल को हिलाएगी, और उसकी वेंट वाली जगह जो है वो भारी हो जाती है। ये देखें दोस्तों ये दूसरा पेयर है, और ये तीसरा पेयर, और ये चौथा। दोस्तों ये सारे के सारे पेयर जो हैं वो बाहर वाले पेयर से ही मैंने बनाए हैं, और ये फीमेल एक मैंने बाहर से ऐड की है, बाकी सारे के सारे बर्ड जो हैं मेरे घर के ही हैं। चार पेयर येलो रिंगनेक के हैं, और एक पेयर जो है वो सप्लिट मेल है, और साल में पहले दिनों की फीमेल लगी है। और यहाँ पे आपको पता ही है कि मेरा ग्रे पैरेट का पेयर है, ये काफ़ी अरसे से है मेरे पास, और अभी मैं बल्कि इसको मैंने लॉक लगाया हुआ, इस वजह से इसे खोलना जो काफ़ी मुश्किल है, और बंद करना ये मैं फिर किसी दिन आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करूँगा।
और इनके केज का साइज मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो बाद में कमेंट्स में पूछेंगे कि इनके केज का साइज क्या था। तो ये 4 फीट जो है वो फ्रंट इनका 4 फीट है, 2 फीट इनकी हाइट है और 2.5 फीट इनकी डेप्थ है। 4, 2.5, 2 कह लें कि 2, 2.5, 4 जो है केज का साइज है। और इसी तरीके से ये सारे के सारे पोर्शन जो है वो बने हुए हैं। और इनके बॉक्स का साइज दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, इनके बॉक्स का साइज है तकरीबन ये 1 फुट मरबे में है और 22 इंच जो है ऊंचा है, 18 से 22 इंच जो है ऊंचा बॉक्स है और 1 फिट जो है वो मरबे में बना हुआ है। इसके अंदर लोहे की सीढ़ी का इस्तेमाल किया ताकि बढ़ जाओ ईजी अंदर आए और बाहर जाएं। और अभी माशाल्लाह ये फीमेल जो है वो लेइंग पे आ गई है, 1 नवंबर की आज 16 तारीख है और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो नए टॉपिक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।